नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया, स्वागत है आपका स्पेशल मॉम्स में। आज कुछ मीठा हो जाए। मीठे की शुरुआत हम करने जा रहे हैं मैंगो फिरनी से। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस तरह से हैं। आधा लीटर दूध लेंगे, बासमती चावल एक कप, इसको मैंने पहले 20 मिनट तक भिगोया है पानी में, एक कप चीनी, एक मैंगो का प्यूरी बना के रखा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता और बादाम जिसको बारीक पीस लिया है, और इलायची बारीक पिसी हुई। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दूध लेते हैं। आधा लीटर दूध ले रही हूँ मैं। पहले हमें थोड़ा सा ये दूध को बॉईल करना है। एक बार उबाल आने के बाद में हम ये जो चावल भिगो के रखे हुए हैं पहले से, इनको पीस लेंगे। जब तक कि दूध उबल रहा है हम भीगे हुए चावल पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसमें चावल पीसने में आसानी रहेगी। चावल पिसते हैं हमारे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ कुछ सूजी के जैसे रखनी है, हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है। वैसे फिर नहीं, एक तरीके की खीर ही है, लेकिन जो चावल हम ले रहे हैं हम उसको भिगो रहे हैं और उसको पीस के इसमें डाल रहे हैं। एक उबाल आने के बाद में ये चावल का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ये राइस का पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ में चलाते रहेंगे। ध्यान रखें कि नीचे ये चिपके नहीं और इसके लम्ब्स नहीं हों। तब पेस्ट ऐड करने के बाद में थोड़ी देर इसे बॉईल करेंगे, और जैसे ही चावल पकने लगेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। चावल पकने तक इसे हिलाते रहें, इसका वेट करें। अब आप देख रहे हैं कि दूध उबल गया है और अभी थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है। ध्यान, क्योंकि आप इसमें मैंगो भी डाल रहे हैं तो आप देख लें, अगर आपका आम खट्टा है तो चीनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं मात्रा। डालना चाहते और इंस्टेंट इसे बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह आप इसमें कंडेंस मिल्क जो मार्केट में मिलता है वो भी डाल सकते हैं। चीनी घुलने तक अब हम इसे पकाएंगे। नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर स्वीट डिश है। वैसे जो ट्रेडिशनल फिरनी होती है, केसर फिरनी, चीनी डालने के बाद आप उसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाल दें और थोड़ा सा केसर डाल दें, केसर फिरनी। लेकिन अभी क्योंकि आम का सीजन है इसलिए हमने इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाला है और इसे मैंगो फिरनी बोल रहे हैं, और मैंगो की प्यूरी डाल रहे हैं इसलिए मैंगो फिरनी है। थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा चाहिए हमें। इलायची पाउडर डाल देते हैं। चावल जो हमने डाले थे अब अच्छे से पक गए हैं, गाढ़ा हो गया है और हमारी फिरनी भी तैयार है। अगर आपको आम नहीं पसंद तो आप इसे केसर फिरनी, थोड़ा सा केसर और ड्राई फ्रूट्स डाल के खा सकते हैं। दो बूंद आप इसमें गुलाब जल या रोज एसेंस की डाल दें, फ्लेवर थोड़ा सा ऐड करने के लिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम और पिस्ता। हमारी फिरनी तैयार है। अब हम इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर तक आने तक वेट करेंगे, उसके बाद इसमें ये मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। ठंडा हो चुका है, अब इसमें ये मैंगो प्यूरी डाल देंगे। ये प्यूरी बनाई थी, बस अब इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपकी मैंगो फिरनी तैयार है। मैंगो फिरनी तैयार है। फिरनी की एक खास बात है, अगर आप इसे कोई मिट्टी के बर्तन जैसे मिट्टी के सकोरे में डालेंगे तो इसकी जो नमी है वो ये सोख लेगा और इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो हम इसे सकोरों में ही परोसेंगे। गार्निशिंग के लिए हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स को कस के रखा है इससे हम गार्निश कर देंगे। चाहे तो इस पे रोज पेटल्स से भी गार्निश कर सकते हैं। फिरनी तैयार है, लेकिन आप इसे अब रेफ्रिजरेट करें, दो तीन घंटे फ्रिज में रखें और ठंडा परोसें। धन्यवाद।
वाव क्या टेस्ट है। चैनल को लाइक करें, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्पेशल मॉम्स। तो क्या बनाए हैं आज?